अपनी लता, अगर हम बात करें कैराना की, तो आज कैराना के लिए भी बड़ा दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री आज यहां पर पहुंचेंगे और सबसे पहले उन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने 2013 में मुकीम काला गैंग की प्रताड़ना से पलायन करने की कोशिश की थी। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज मुख्यमंत्री जी का जो दौरा है कैराना में वो काफ़ी अहम है और उसके बाद वो कई करोड़ की योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे जिसमें पीएसी कैंप और उत्तर प्रदेश रोड वेज की जो परियोजना है उसका लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा कई और परियोजनाओं का वो लोकार्पण करेंगे और उसके बाद वो पथिक महाविद्यालय में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और यहाँ से कहा जा सकता है कि जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जो किसानों के लिए सरकार ने काम किया है, उन बातों को इस जनसभा के जरिए आम जनता तक पहुंचाएंगे और सरकार की उपलब्धियों को भी बताएंगे। तो कहीं ना कहीं आज बड़ी सौगात मिलने वाली है कैराना के लोगों को, शामली के लोगों को और ख़ास तौर से अगर बात की जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतने लता लगातार अब मुख्यमंत्री का दौरा है। 11 तारीख को वो क्रांति धरा मेरठ भी आ रहे हैं और वहाँ पर भी वो कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं, जो पूर्ण हुए हैं, उनका लोकार्पण करेंगे और नए विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कैराना में आज बड़ा दिन होगा और आज कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शुभारंभ होगा जिसका उपयोग आम जनता आज के बाद से कर सकती है। तो कहीं ना कहीं आज अहम दिन होगा और आज ही उन परिवारों से भी मुलाकात की जाएगी जो पीड़ित परिवार थे, उनके दर्द को समझा जाएगा और ये देखा जाएगा कि आखिरकार सरकार उनकी किस तरह से मदद कर सकती है। और जो आतंक का पर्याय बन चुका था मुकीम काला, उसकी हत्या के बाद अब कहीं ना कहीं कैराना के लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं और देखना होगा कि अपराध कैराना में क्या होता है, वहां किस तरीके से बातचीत करते हैं। हम ये है कि पलायन वाले मुद्दे से जुड़े लोग, जो परिवार प्रभावित हुए, उनसे मुलाकात होनी है। शैलेश का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी हैं। शैलेश, ये बताइए कि रामपुर जा रहे हैं, आजम खान का गढ़ माना जाता है और वहां के लोगों के बीच में पहुंचकर लोकार्पण परियोजनाएं ये तो है, किस तरीके के संबोधन और क्या कुछ बातें हो सकती हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, अगर हम कैराना और रामपुर दोनों की बात करें, रामपुर का आपने पहले जिक्र किया, उसी पे चर्चा करें कि रामपुर में देखिए जब उनका जाना होगा मुख्यमंत्री का, तो जाहिर सी बात है चाहे वो वहाँ पर आजम खान की बात हो, जिस साथ आजम खान अभी भी तमाम मामलों में जेल में है, निश्चित रूप से रामपुर उनका गढ़ है, सपा का गढ़ है उनकी वजह से, और इस वजह से मुख्यमंत्री निश्चित रूप से उन मुद्दों पर मुख्य रूप से आज बात करने वाले हैं जिन्हें लेकर विपक्ष पर वो निशाना साध सकते हैं, चाहे वो आजम खान के मामले हो जिन्हें लेकर वो इस समय जेल में है, चाहे वो उनके बेटे का मामला हो, विधायकी भी जा चुकी है, इन सभी मामलों को लेकर विपक्ष पर हमलावर होंगे, जाहिर सी बात है। और दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ विपक्ष पर निशाना नहीं साध रहे बल्कि वो जिले को लोकार्पण शिलान्यास, एक बड़ी सौगात, 64 करोड़ की करीब सौगात भी देंगे लोकार्पण शिलान्यास तमाम परियोजनाओं का। यानी एक संदेश कि कोई भी जगह हो, कोई भी क्षेत्र हो, लेकिन सरकार सबके लिए बराबर काम कर रही है, ये मैसेज देने की कोशिश भी है इन लोकार्पण शिलान्यास के माध्यम से। हालांकि ये कितना असर दिखाएगा ये तो वहाँ की जनता ही जाने और आगे ही जनता ही वोट से अपने बताएगी भी, लेकिन ये साफ है कि आज के जो दो दौरे हैं मुख्यमंत्री के वो आगामी चुनाव के लिहाज से बहुत ही अहम हो जाते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ सपा की गढ़ कही जाने वाली सीट है, आजम खान का गढ़ कहे जाने वाली सीट है, तो वहीं दूसरी ओर राम जो कैराना का मामला, हम जब बात करते हैं शामली का मामला, तो पलायन देखिए एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और वहां पर आज जब मुख्यमंत्री होंगे तो उन लोगों से भी वो संवाद करने वाले हैं जो पलायन कर चुके थे और वापस वहां पर आए, तो उनसे संवाद होगा। वहां पर देखिए 400 करोड़ से ऊपर की जो परियोजनाएं, उनका लोकार्पण शिलान्यास होगा, पीएम आवास योजना के तहत तमाम लाभार्थियों को वहां पर उनके आवास की चाबी सौंपी जाएगी, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, कार्ड दिए जाएंगे, यानी कुल मिलाकर इसके अलावा तमाम और जो योजनाएं हैं उनके जो लाभार्थी हैं उनको चेक का वितरण किया जाएगा। यानी कुल मिलाकर एक मैसेज देने की कोशिश कि सबके लिए सरकार बराबर से काम कर रही है बिना किसी भेदभाव के, ये संदेश देने की कोशिश भी है। और निश्चित रूप से देखिए, किसी के लिए भी अपने आवास का सपना एक बहुत बड़ा सपना होता है, जब पीएम आवास योजना की चाबी किसी को मिलेगी अपने आवास की, तो उसकी अंदाजा लगा सकते हैं खुशी का ठिकाना वही जान सकता है। और मंच से जो बातें निकल के आती हैं शैलेश, वो भी बेहद अहम होती हैं, क्योंकि देखिए जो बयान आते हैं, जो बातें हैं,
वो सियासी सरगर्मी बढ़ाने में काफी होती है, और खासकर आज जब रामपुर रहेंगे, कैराना रहेंगे, क्या बोलेंगे सीएम, इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। आप दोनों का शुक्रिया बलराम, शैलेश, तमाम जानकारी